मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। यहाँ उड़ीसा में मेरा फर्स्ट ट्रिप है, फर्स्ट टाइम मैं आया हूँ नॉर्थ इंडिया जिधर ईस्ट में, और हमारे पंजाब में उधर बहुत एक्साइटमेंट है, चंडीगढ़ में बहुत एक्साइटमेंट है, और मैंने भुवनेश्वर में देखा और आज यहाँ देखा है, भाई गाड़ कमाल हो गया। ये तो मैंने अपने ग्रुप को वहाँ चंडीगढ़ जाके बताऊंगा कि उधर देखो जाके क्या हो रहा है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आई एम वेरी एक्साइटेड। मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों को मिलकर, और आज हम आपके साथ अपनी पूरी स्टोरी शेयर करेंगे, सारा कुछ शेयर करेंगे जो हमने इस बिजनेस में सीखा। अभी कल की बात है, मुझे पूरी तरह याद है, जब वो लड़का मेरे घर में मुझे सर्कल ड्रा करके दिखाने आया था, और जब मैंने अपना फॉर्म भरा था, अभी 3 साल हुए और पता नहीं क्या से क्या हो गया। 23 साल नौकरी करते रहे सरकार की, और एक स्कूटर था बजाज चेतक, उसकी किस्तें नहीं उतरती थी मेरे से और आज इस बिजनेस के कारण मेरे पास एक ब्रांड न्यू लैंसर गाड़ी है एक सेंट्रो है। कल परसों से हम जब से आए हैं यहाँ, और सड़कों में देख रहे हैं, हमारे होटल में से इधर उधर रोड की तरफ देखते हैं, तो मेरी वाइफ कह रही थी, कहती यहाँ ना भुवनेश्वर में कोई मर्सिडीज नहीं को नजर आ रही। मैंने कहा भाई अभी तुम 2 साल रुक जाओ, यहाँ मर्सिडीज मर्सिडीज ही नजर आएंगे आपको उड़ीसा में। इतने डायमंड जा रहे हैं कि दुनिया देखेगी। और मैं तो बिल्कुल पाकिस्तान का बॉर्डर है, जहां पंजाब में गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट, डेरा बाबा नानक कहीं किसी ने सुना होगा, वहां हमारा गांव है छोटा सा, और वहां से कैसे कैसे हम वहां से वहां ही पढ़ते रहे, वहां पले, वहां टीचर लगे, चंडीगढ़ आए, हमें क्या पता था कि चंडीगढ़ में एमवे हमारा इंतजार कर रहा है। और बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है इस बिजनेस को, इट्स फन एंड फ्रॉल। इसमें इसमें क्या है कि ये बिजनेस तो इतना बढ़िया है, इट्स ए मोर सोशल सर्विस देन ए बिजनेस। और इतना मजा आ रहा है बिजनेस को, ना नींद आती है ना भूख लगती है, जमीन से ऊपर ऊपर उड़ते रहते हैं, पता नहीं, बाय गॉड व्हाट अ बिजनेस। मैं तो कई बार सोचता हूं कि इस धरती के लोग ऐसा बिजनेस बना नहीं सकते, देयर मस्ट बी सम सुपर नेचुरल पावर। रिच डिवास और रिच डिवास और जेवन एंडल ने जब ये बिजनेस की रूपरेखा तैयार की थी, तो दो अकेले नहीं थे, उनके साथ भगवान खुद आके खुद उन्होंने उनके साथ ये बिजनेस प्लान बनाई है। और ये बिजनेस जो है, ये भगवान की मर्जी से चल रहा है, और इसका आपने ग्रोथ चार्ट चेक कर लिया ना इस बिजनेस का, कैसे ये बिजनेस चल रहा है। और ये बिजनेस समझ भी उन लोगों को आता है जिन पर भगवान की बख्शिश होती है, जिन पर भगवान की बख्शिश नहीं है ना, जिन पर कृपा नहीं है, उनको इस बिजनेस की समझ भी नहीं आती। हमारे बस में कुछ भी नहीं है। और भगवान ने किसी को, कहते हैं कि वो डंडा लेकर तो मारना नहीं है किसी को, किसी से अच्छा फैसला करवा दिया, किसी से गलत फैसला करवा दिया, ठीक है। तो वी आर लकी कि वी आर इन दिस बिजनेस, वी आर लकी। और इससे बड़ी बात यह है कि जो फर्स्ट क्रॉप ऑफ डायमंड्स इंडिया में जा रही है, हम सब उसमें हैं। भगवान ने हमें उनके लिए चुना है, आप सबको, हमें। तो मैं अपनी स्टोरी थोड़ी देर में शेयर करूंगा, उसके पहले मेरी वाइफ आपको हेलो कहेगी, थोड़ा अपने बारे में बताएगी, उसके बाद मैं अपना रिलेट, ताकि आप मेरे से रिलेट कर पाओ, आपको पता चले कि जय सरदार भी हमारे जैसे ही है। आप मेरे से बेटर हो। तो ये रैली का ही मतलब होता है कि आपको पता चल जाए कि आप कहीं ये ना समझो कि ये तो बेड ऑफ रोजेज पे चल चल के एमराल्ड हो गए, तो हमारा बिजनेस तो पता नहीं क्यों डक्के डोले ऐसे खा रहा है, क्यों डावा डोला है। तो आपको पता चलेगा कि कैसे ये बिजनेस चलता है, और जो कुछ हमने सीखा है एमराल्ड बनने तक, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे, और अगले साल फिर आएंगे यहां, फिर डायमंड बन के फिर आपको सिखाएंगे कि डायमंड कैसे जाना है। तो हैप्पी वेलकम माय ब्यूटीफुल वाइफ। सभी को नमस्कार, मेरा नाम रणधीर मांगट है, और अमृतसर डिस्ट्रिक्ट का थैंक यू अमृतसर डिस्ट्रिक्ट के गांव में हम पले बड़े हुए, और जो एजुकेशन हुआ वो अमृतसर का था। जब कॉलेज में होते हैं, जहाँ स्कूल में होते हैं, यूनिवर्सिटी में होते हैं, तब बहुत बड़े बड़े सपने लेते हैं। सभी बहुत बड़े बड़े सपने लेते हैं,
बहुत बड़े बड़े सपने रहते हैं, तब तो पता ही नहीं होता कि रियलिटी क्या है, जिंदगी की रियलिटी का कुछ इतना ज्यादा पता नहीं होता। बहुत बड़े बड़े सपने लेते हैं, जब रियल लाइफ में आते हैं तो कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं कि वो जो सपने होते हैं उनको श्रिंक करना पड़ता है। सो हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ। पहले तो सोचते थे कि हम ऐसा कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, पर जब रियल लाइफ में आए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज पड़ी, तो कंप्रोमाइज करने शुरू कर दिए। कंप्रोमाइज ये कर लिया कि चलो कोई बात नहीं, गाड़ी नहीं है तो स्कूटर ही अच्छा है, थोड़ी जगह से निकल जाता है। गाड़ी क्या करनी है, सड़कों में भीड़ बहुत होती है। घर बड़ा नहीं लेना, छोटा ही ठीक है, क्योंकि उसको मेंटेन करना बहुत औखा होता है। अपने साथ कंप्रोमाइज करते थे, अपने जो माइंड था उसको ऐसे ही समझा देते थे कि ऐसे अच्छा है। तो अपनी लाइफ में खुश थे, ऐसा नहीं था कि दुखी थे, खुश थे। और जब बच्चे हो गए, बच्चे बड़े होने लगे, तो एक दिन मन में ख्याल आया कि ये जो हमारे बच्चे हैं, ये गांव में नहीं पढ़ेंगे, इनको हम बहुत अच्छे से शहर में पढ़ाएंगे। और एकदम डिसाइड कर लिया कि हम चंडीगढ़ शिफ्ट कर जाएंगे। जब हमने ये फैसला लिया, ड्रीमर तो थे ही, जब हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने ये फैसला ले लिया कि हम चंडीगढ़ शिफ्ट कर रहे हैं, बच्चे हमारे वहाँ पढ़ेंगे, तो हमारे जो आस पड़ोस के लोग थे, जो रिश्तेदार थे, वो हमें कुछ ऐसे ही खींचने लगे कि नहीं नहीं, आप वहाँ क्या करोगे चंडीगढ़ में जाके, आपके बच्चे कोई ज़्यादा स्पेशल हैं जो चंडीगढ़ में पढ़ेंगे, इधर लोगों के बच्चे पढ़ते नहीं हैं, आप लोग पढ़े नहीं थे, पर फिर भी हम चंडीगढ़ में शिफ्ट कर लिया हमने। जब हमने शिफ्ट किया था, तब तो सिर्फ यही सोचा था कि हमारे जो बच्चे हैं वो अच्छे स्कूलों में पढ़ेंगे, पर आप पता चला कि इसके पीछे भगवान की क्या प्लानिंग थी। भगवान की प्लानिंग ये थी कि भगवान ने हमारी ड्यूटी लगा रखी थी कि आप बहुत लोगों की जिंदगी को टच करेंगे और उनको बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिलाएंगे। ऐसे ही हम चंडीगढ़ में थे, एक हमारा रिश्तेदार था, वो कनाडा से आया था, और हमें बोला कि एक बहुत अच्छा बिजनेस है, देखो। तो हम कोई माने नहीं, हम बोले कि ये स्कीम होगी, ये ऐसा होगा, हम नहीं करेंगे, ये कोई प्रोडक्ट बेचने होंगे, हम ऐसा बिजनेस नहीं करेंगे, ये स्कीम है। तो हमने उसकी बात सुनते ही नहीं थे, हम सुनते ही नहीं थे उसकी बात। तो वो फिर भी हमारे घर एक डिब्बा सा छोड़ गया था, वो कनेडियन किट थी, वो छोड़ गया था, हमें बोल गया था कि इसको पढ़ना और देखना, बहुत अच्छा बिजनेस है। वो गांव चला गया और हमने देखा ही नहीं, किट के ऊपर मिट्टी पड़ती रही, हमने उसकी डस्टिंग भी नहीं की। जब 15 दिन बाद आया तो मेरे को बोला कि आंटी आपने किट देखी है, कुछ देखा है बीच में से? मैंने बोला नहीं, मैंने नहीं देखा, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। टाइम का तो एक एक्सक्यूज था, टाइम किसके पास नहीं होता, सारा दिन टीवी देखते हैं, गप्पे लगाते हैं, और करते भी क्या है। और ये तो एक्सक्यूज था कि टाइम नहीं है। एक दिन वो मेरे हस्बैंड को मीटिंग पे ले गया, और जब ये रात के 11 बजे घर आए तो ऐसा लग रहा था जैसे धरती से 3-3 फीट ऊपर चल रहे हैं। और पूरी रात सो नहीं पाए, मैंने पूछा कि क्या हो गया, आप सोते क्यों नहीं, कहते कुछ कुछ होता है। और मेरे को बताया कि बहुत अच्छा बिजनेस है। मैंने आगे से बोल दिया कि आराम से सो जाओ, कोई बिजनेस नहीं है, जो स्कीमें होती हैं ऐसे रिंकू की बातों में मत आना। हम दोनों हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को समझाते थे कि रिंकू की बातों में मत आना। जब भी मेरे हस्बैंड कहीं जाते थे तो मेरे को बोल के जाते थे कि कहीं इसको पैसे मत दे देना, ये डिब्बा सा मत खरीद लेना इसे। और जब कहीं ये हस्बैंड जाते थे तो मैं भी बोलती थी कि रिंकू मिलेगा तो वो किट सी मत ले लेना। तो ऐसे हम करते गए, उसको टालते रहे। जब मीटिंग देखी था, मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छा बिजनेस लगा। नेक्स्ट डे वो मेरे को कहते कि आज भी मीटिंग है, आप भी चलो। तो मैंने तो अपना जो माइंड था बिल्कुल क्लोज कर रखा था। मैंने सोचा कि चलो, कहते हैं कि मीटिंग है, इसी बहाने घूम फिर आएंगे, चलते हैं मीटिंग में चलते हैं। जब मीटिंग में गए तो वो बोर्ड पे बता रहे थे कि
कंपनी की बहुत अच्छे ट्रिप्स देती है, बहुत अच्छा लाइफस्टाइल होता है, डायमंड का जे लाइफस्टाइल होता है। तो मैं मन ही मन में हंस रही थी कि ये देखो कितने अच्छे अच्छे सब्ज बाग दिखाते हैं, लोगों को फंसाना है ना। बट बिजनेस में आने के बाद पता चला कि ये लोगों को फंसाने का बिजनेस नहीं है, ये फंसे लोगों को निकालने का बिजनेस है। और जब प्लान शेयर की प्लान हुई बोर्ड पे, तो भगवान का थैंक्स करती हूँ कि मेरा माइंड थोड़ा ओपन हो चुका था और लगा कि ये बिजनेस ही है, हम करेंगे। घर आए, फैसला किया कि हम ये बिजनेस करेंगे, और साथ ही साथ ये भी फैसला कर लिया कि हम बिजनेस करेंगे, अपना काम करेंगे, पैसे की तरफ नहीं देखेंगे, हम अपना काम करते चलेंगे, भगवान अपना काम करेंगे। और ऐसा ही हुआ। फर्स्ट मंथ ही हमें 352 का एक बैंक ड्राफ्ट आ गया। वो जो बैंक ड्राफ्ट था उसकी हम बहुत वेट करते थे, बहुत ज्यादा वेट करते थे, क्योंकि वो जो हमारा स्पॉन्सर था उसने बोला था कि 15th को बैंक ड्राफ्ट आता है, तो हम 15th को बहुत वेट किया, वो आया नहीं। तो हमने सोचा शायद पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। तो 16th को वो 352 का बैंक ड्राफ्ट आ गया, और उसकी हमें इतनी खुशी हुई कि हम बता ही नहीं सकते कि हम कितने खुश थे। बहुत एक्साइटेड थे उस दिन। एक्साइटेड इसलिए नहीं थे कि हमें 352 की अमाउंट मिली है, एक्साइटेड इसलिए थे कि ये बिजनेस वर्क करता है। सो, ऐसे चलते गए। जब जिस दिन बैंक ड्राफ्ट आया ही था, हमारे एक पड़ोसी थे, हम तो बहुत एक्साइटेड हुए थे उस बैंक ड्राफ्ट को देख के, हर किसी के साथ शेयर कर रहे थे कि हमारा बैंक ड्राफ्ट आ चुका है। तो हमारे एक पड़ोसी थे, वो आए और मैंने बताया, मैं क्या देखो जी हमारा बैंक ड्राफ्ट आया है। वो बोले कि कितनी अमाउंट है। मैं बोला 352। कहते हैं अच्छा। तो साथ ही साथ दरवाजे की बेल हुई और एक टेलीफोन वाला 2700 रुपए का एक टेलीफोन का बिल हमारे घर में दे गया। तो जो हमारे पड़ोसी थे वो बहुत हंसे हमारे पे और बोले कि आपका बिजनेस बहुत अच्छा है, देखो अर्निंग आपकी 352 की है और जो टेलीफोन का बिल है वो 2700 रुपए का है। तो हमने उनको बोल दिया कि हाँ बिजनेस बहुत अच्छा है। और यही हुआ पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स के, बिजनेस बहुत ही अच्छा हो रहा है और बहुत ही अच्छा हो गया। तो वैसे हम काम करते गए और 3 महीने के बाद जल्दी ही जो हमारा बैंक ड्राफ्ट था उसके साथ एक एक जीरो लगनी स्टार्ट हुई। और जब जीरो लगती थी तो वही पड़ोसी जो हमारे पे हंसते थे, वो उनको कुछ कुछ होने लगा, थोड़ा थोड़ा सा वो ना हमारे से पूछने लगे कि ये बिजनेस क्या है आपका, दिखाओ। तो हम बात नहीं करते थे, हम बोलते थे कि नहीं आपके बस की बात नहीं है, आपसे नहीं होगा, आप ऐसे फंस जाओगे जहां से, आप मत करो। तो ऐसे करते करते वो बोले कि नहीं हम भी बिजनेस करेंगे, वो जो आपकी किट सी है वो कहाँ से मिलती है। तो हम बोले कि हमारे से ही मिलती है, ले लो। और उन्होंने किट ले ली, आज हमारे बिजनेस में वो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर है। ऐसे ही हम सिस्टम के साथ चल के बिजनेस करते रहे, जैसे सिस्टम ने बताया कि ऐसे करना है ऐसे नहीं करना है, हमने वैसा ही किया। तो आज भगवान की कृपा से जहाँ है, जहाँ कोई भी आ सकता है, आज हम जहाँ बहुत खुश हैं आप लोगों को मिलके, और विजुलाइज कर रहे हैं कि आप लोग भी एक दिन वहाँ हमारे चंडीगढ़ में आके सेमिनार करोगे और हम नीचे बैठकर क्लैपिंग करेंगे। और बहुत अच्छा लगा आप लोगों को मिलकर। कल हम भुवनेश्वर में थे, बहुत प्यार मिला वहां में भी, और जहां भी देख रहे हैं कि आप लोग कितने खुश हैं, हम आप लोगों से बहुत कुछ सीख के जाएंगे। थैंक यू, गॉड डायमंड, गॉड ब्लेस यू। 3 साल पहले की बात है, मेरे को एक टेलीफोन की घंटी बजी, एक फोन आया और एक लड़का मेरा भतीजा कनाडा में रहता था, मेरे को कहता कि अंकल आपने एमवे का नाम सुना है,
मैं कह नो। बहुत बढ़िया काम है, आप इस बिजनेस के बारे में जानना चाहोगे? मैं कह यस, जानना चाहूंगा। तो मैंने कहा चल तू कल आके मेरे मुझे समझाना कि क्या बिजनेस है। मैंने उसको टेलीफोन पर पूछा कि ये बाई दी वे है क्या, जैसे यहां लोग पूछते हैं ना सारे। वो कहता है ये नेटवर्क मार्केटिंग है। तो मुझे नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं पता था कि क्या होती है, मुझे मार्केटिंग का पता था कि मार्केटिंग क्या होती है। तो मैंने कहा ये तो कोई सेलमैनशिप है, मार्केटिंग का मतलब सेलमैनशिप। तो मैंने कहा ये मेरे बस की बात नहीं है। मन में सोचा यार मार्केटिंग मैं कैसे करूंगा। मेरे मन में पता क्या है, मेरे मन में आया कि मार्केटिंग वो लड़के करते हैं ना टाइयां लगाकर, जहां पता नहीं आते हैं कि नहीं आते। टाई तब लगाने की आदत नहीं थी, तो मेरे को लगा कि शायद कोई ऐसा ही काम करना पड़ेगा। तो वो नेक्स्ट डे आया, कोई 3 बजे, जून का महीना था, 3 बजे हमारे घर में आया और कागज के ऊपर उसने सर्कल ड्रा किए। 1 घंटा उसने बेचारे ने लगा दिया मेरे को बिजनेस समझाने में। मैंने पूरा 1 घंटा ला दिया ये बात समझने के लिए कि ये मुझे क्यों समझा रहा है। ओके, मैंने अपने माइंड को क्लोज कर लिया कि इसको कोई जरूर फायदा होने वाला है, ये मेरे को यूज करना चाहता है। मुझे क्या पता है कि दिस बिजनेस इज नॉट फॉर यूजिंग यूर फ्रेंड, दिस बिजनेस इज यूजिंग यूर सेल्फ फॉर यूर फ्रेंड्स। यस, ये उल्टा है। ओके, तो मुझे क्या पता था, मैंने तो सोचा ये मुझे यूज करना चाहता है, बाहर जाके कहेगा कि लो एक तो बना लिया मैंने। तो मैंने उसको कहा नहीं यार ये मेरे बस की बात नहीं है, एक्चुअली मैंने सुना ही कुछ नहीं। वो मेरे को कहता है ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे बैंक का, वो सब डिस्ट्रीब्यूटर कहता है सब डिस्ट्रीब्यूटर कोई नहीं होता, मैं उसकी बात ही नहीं सुनी। तो मुझे कहता है कि आप ऐसे करो किसी दिन फिर मैं आपको मीटिंग में कॉल करूंगा, आप मीटिंग में आना तो वहां आपको ये बिजनेस समझाएंगे। ओके, तो मैंने सोचा ओके मैं मीटिंग में आऊंगा। तो चंडीगढ़ में एक मीटिंग थी, तो उसने मेरे को कॉल किया कि आज मीटिंग है अंकल आओगे? मैं कहा यस। कहता मैं आपके पास आता हूं, इकट्ठे चलते हैं। मैं कहा तू पहुंच वहां, मैं तेरे से भी पहले वहां पहुंचा ले। वो बेचारा वहां अपने गेट पर खड़ा रहा सारा दिन, मैं घर में अपने बैठकर शक्तिमान देखता रहा टीवी पे। ओके, और बाद में मैंने एक बहाना लगा दिया कि यार मेरा तो स्कूटर पंचर हो गया, सॉरी मैं आ नहीं पाया है। तो वो नेक्स्ट टाइम उसने फिर फोन कर दिया, मैंने फिर बहाना लगा दिया, और 3-4 बार मैंने वो टर्कालोजी मारता रहा उसको कि कहीं मेरे जान बच जाए। ओके, और एक दिन मेरे को तरस आ गया उस पर, यार ये बार बार फोन किए जा रहे हैं, चलो एक दिन चल पड़ते हैं। तो मन को पक्का करके गए कि चल तो पड़ते हैं मगर फंसना नहीं है। ओके, और चल पड़े उसके साथ। और वहां जाके प्लान देखी, एक आदमी वो बोर्ड पे ऐसे प्लान दिखा रहा था, वो बॉटलें रखी थी उसने LOC की बड़ी बड़ी 3-4। तो वो मुझे बोटलें भी बहुत अच्छी लगी, मैं कह तो प्रोडक्ट्स बहुत बढ़िया हैं, यूनिक हैं। और उसने जो चक्कर बाग समझाए मेरा थोड़ा मन लगने लगा, और जब तक वो प्लान खत्म हुई डेट वॉज टर्निंग पॉइंट इन माई लाइफ। मैं उस मीटिंग से घर तक उड़ता हुआ आया, मेरे जमीन पर पांव नहीं लगे। सारी रात मुझे नींद नहीं आई उस दिन, मुझे वो 40,000 मेरी आंखों के सामने ऐसे घूमता रहा सारी रात कि अगर मेरे को 40,000 मिलने लग गया पर मंथ, तो मैं तो इससे एक मरुति लूंगा, एक ये करूंगा, ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा, यही सोचता रहा। मेरे को नींद ही नहीं आई सारी रात। वाइफ ने बताया ना क्या होता है, मैं क्या पता नहीं कुछ हो रहा है। तो सुबह उठकर मेरी बॉडी के तो सारे हार्मोन अपसेट हो गए ना उससे प्लान देखी जब, तो सुबह उठ के मैंने ज्वाइन किया। वो लड़का जो था ना वो सुबह कहीं और चला गया, और उसको मैंने फोन किया। मैं उसने सोचा शायद पता नहीं अंकल बिजनेस करेंगे कि नहीं करेंगे, तो मैंने उसके फोन पे कहा कि मैंने ये बिजनेस करना है। तो वो खुद नहीं आया, उसने अपने दोस्त को एक को कहा कि जाओ मेरे घर में वोचर पैक पड़ा है वो लेकर और जाओ 19 सेक्टर में चंडीगढ़ में अंकल को साइन करके आओ। तो एक हमारे रिश्ते में है वो आया और मेरा फॉर्म भर के चला गया, और हम DD हो गए, रूबी हो गए, सफायर हो गए, एमराल्ड हो गए। उस लड़के ने आज तक अपना फॉर्म नहीं भरा। ओके, वो लोग कई होते हैं ना ऐसे, वो लोगों को ले जाते हैं गंगा का स्नान करा के आते हैं, मगर उनके कर्मों में खुद गंगा का स्नान करना नहीं होता। ओके, तो ऐसे मैंने बिजनेस स्टार्ट कर लिया। तो बिजनेस शुरू शुरू में कैसे होता है, नोज बहुत मिलती है। बहुत लोगों को बिजनेस दिखाया, बहुत लोगों एवरीबॉडी सेड नो, क्योंकि वो लोग मानते ही नहीं थे कि ऐसा बिजनेस हो सकता है। हम भी नहीं मानते, हमारा माइंड ही ऐसा कंडीशन हुआ है स्टार्ट से, जब से जन्म लिया है। हमारे पेरेंट्स ने, हमारे समाज ने, हमारे टीचर्स ने कभी हमें किसी को कहा है कि आप करोड़पति बनने वाले हो? सिर्फ यही कहा है कि आप बढ़िया पढ़ाई करो, अच्छे ग्रेड्स लो,
और आपको बढ़िया नौकरी लग जाएगी, आप 10-15 हजार रुपया कमाने लग जाओगे, आपकी मैरिज हो जाएगी, आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। इतना ही कहा ना आज तक, ये तो किसी ने कहा ही नहीं कि तेरे पास 60 लाख की मर्सिडीज भी हो सकती है। इसीलिए ये एक नया कंसेप्ट है, तो इससे सारा कुछ संभव है। तो हम जिससे भी बात करते थे एक्साइटेड बहुत थे, एक्साइटमेंट से प्लान शो करते थे, पता नहीं कोई बिजनेस में आता नहीं था, मगर मुझे ये पता था कि इट्स ए गुड बिजनेस और ये बिजनेस चलने वाला है और इस बिजनेस से ये बिजनेस फट्टे चकने वाला है इंडिया में, और मैं भी अमंग द फर्स्ट डायमंड इंडिया में हूँ। मैं तो लगा रहा, मैं मेरे को नहीं आता, मेरे साथ नो प्रॉब्लम 50 लोगों के साथ मैंने बिजनेस प्लान शो किया और 50 नहीं शायद मेरे को नो कहा होगा, 51वां 52वां आदमी वो मेरे साथ बिजनेस उसने ज्वाइन किया। और मेरी एक और प्रॉब्लम थी कि कहते हैं ना कि अपलाइन इज द लाइफ लाइन ऑफ दिस बिजनेस। मेरा वो लड़का जिसने मुझे स्पॉन्सर किया था वो 4 दिन बाद कैनेडा वापस चला गया, वो आज तक वापस नहीं आया। ओके? और मैं और लड़का, मैं तो अकेला रह गया क्योंकि अपलाइन थी नहीं, बिजनेस के बारे में पता नहीं था, तो मुझे जितना पता था मैं उतना बस लोगों को बताया जा रहा था। पर फिर भी मैंने एक आदमी को स्पॉन्सर कर दिया। मैं कहा बोर्ड से ज्यादा हो सकता है ज्यादा फायदा हो, तो मैं और मेरे एक साथ दोस्त था जिसको मैंने स्पॉन्सर किया, हम दोनों गए मार्केट से, बोर्ड तो हमें पता नहीं था कहां मिलता है, हमने एक प्लास्टिक की शीट खरीद ली व्हाइट कलर की और एक मार्कर खरीदा, मार्कर भी फर्स्ट टाइम देखा कि ऐसे। मैंने उसको कहा दुकान वाले को कि मुझे डस्टलेस चौक चाहिए, मुझे क्या पता है मार्कर कैसा होता है, तो मैंने कहा वो ऐसा चौक होता है जिसका डस्ट नहीं पड़ता। वो कहता वो नहीं होता, मार्कर होता है, मेरे को दिखा। मैं क्या, उसने काउंटर के ऊपर अपने ऐसे लिखकर हाथ से साफ करके दिखाया। मैं क्या, ये तो वेरी गुड, मैं तो बहुत बढ़िया चीज है यार, यही मुझे चाहिए। तो वो मार्कर देखकर मैं बहुत एक्साइटेड। तो हमने उसके घर में एक प्लान फिक्स की और हम दोनों वो प्लास्टिक की शीट लेकर गए। मैंने कहा लिख कर देखा मार्कर से, मैं बहुत बढ़िया यार, ये तो सस्ती पड़ गई, हमारा तो काम सस्ता बन गया। 10-12 लोग आए उनके घर में, हमने वहां कील एक था दीवार में, वहां उसको ठोकने की कोशिश की कील को और बोर्ड को, और बोर्ड जो था वो जैसे शीशा टूटता है ना ऐसे सेंटर में से ऐसी दरार पड़ के दो हो गए, वो एक के दो हो गए, बिंगा टेढ़ा सा ऐसे बन गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, इट्स ए चैलेंज। हमने सोफे के ऊपर रखा और मैंने वहां फर्स्ट प्लान ऑफ माई लाइफ वहां शो की एंड आई साइंड 2%, 2 लोगों को स्पॉन्सर किया। ओके? उससे हमारा मन बढ़ गया, दिल बढ़ गया कि ये तो बिजनेस जा रही है तो बन जाएगा काम हमारा। पता नहीं कैसे प्लान की पर वो चल गया काम, हमने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, बिजनेस स्टार्ट हो गया और पता लगा कि ऐसे बिजनेस चलने लग गया। वो मेरे को कहते कि हमारे घर में ऐसी प्लान कर सकते हो, मैं क्यों नहीं कर सकते, चलो हम वहीं करते हैं। हम उसके घर में प्लान शो करने गए, वहां बाहर स्कूटर वगैरह खड़े हो रहे थे अभी, तो वहां एक बाबूजी बहुत स्मार्ट थे, वो पता नहीं सैर करते करते उधर आ गए। वो कहते यहाँ क्या प्रोग्राम हो रहा है, क्या बातें क्या कर रहे हो। मैं हमने कहा एक बिजनेस है, हम बिजनेस मीटिंग करने जा रहे हैं, बिजनेस शेयर करेंगे। तो वो कहता मैं देख सकता हूँ। मैं कहा वाई नॉट, देख लो हमें क्या चाहिए, और हम तो ढूंढ रहे हैं लोगों को आए देखे। और वो आगे वो बैठ गए, मैंने प्लान शो की, तो जब मैं प्लान में कोई जोक वगैरह सुनाता तो सबसे ज्यादा हंसते थे और हर बात पर रिस्पॉन्ड बहुत करते थे, ताड़ियां बहुत मारते थे। तो मैंने मन में सोचा कि एक तो हो गया काम, मैं क्या अपना, ये तो पक्का आएगा मैं क्या। और जाते जाते ना मेरा टेलीफोन नंबर ले गए, कहते मेरे को अपना टेलीफोन नंबर दो, तो टेलीफोन नंबर ले गए और 1 घंटे के बाद उन्होंने फोन कर दिया कि मैं ये बिजनेस ज्वाइन करना चाहता हूं। तो हमने उनको भी स्पॉन्सर कर दिया और बहुत थोड़ी देर में कोई 6-7 महीने में वो सिल्वर चले गए। आज वो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर हैं और उनके ग्रुप में कम से कम 13 से 15 जो है सिल्वर गोल्ड DD है उनके नीचे। देखो मैं आपको क्या कहना चाहता हूं कि इस बिजनेस में पता क्या होता है, इस बिजनेस में वो नहीं होना जो हमने सोच रखा है कई बार, इसमें वो होना जो भगवान ने आपके लिए सोच रखा है। ओके? आप किसी भी डायमंड की स्टोरी सुन लो, आप किसी एमरल्ड की स्टोरी सुन लो, आपको लगेगा कि आपको पता चलेगा कि ये बिजनेस क्या है, कि पता नहीं कहां आपकी फोन कॉल हिट आ जानी है, कहां से आपके नीचे एक DD आ जाना है। जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म साइन किया था, जब मैंने किया था, मुझे नहीं पता था कि कौन कौन DD है जो मेरे ग्रुप में आएंगे। मैं तो जो सोच रखे थे ना कि वो आएंगे, वो तो कोई भी नहीं आया उनमें से, उन्होंने तो बिजनेस ज्वाइन ही नहीं किया। मैंने सोचा था कि मेरे इतने रिश्तेदार हैं चंडीगढ़ में, सबको भर दूंगा, इतने मेरे दोस्त हैं, ये तो मुझे मना ही नहीं करेंगे। मेरे एक भी रिश्तेदार ने बिजनेस ज्वाइन नहीं किया, मेरे एक भी फ्रेंड ने मेरे साथ बिजनेस ज्वाइन नहीं किया, मेरे स्कूल में
अबाउट 70 टीचर थे, एक ने भी मेरे साथ बिजनेस ज्वाइन नहीं किया, तो फिर भी मैं एमराल्ड हो गया। आपको आपके दोस्त मना करते हैं तो आप भी बहुत जल्दी एमराल्ड चले जाओगे। ओके सीधी सी बात है इसमें। तो मैं आपको बता रहा हूं कि थोड़ा हमारा जो गांव पाकिस्तान के बॉर्डर पे, आपको बताया, तो वहां हम वहां रहते थे, वहां एक स्कूल में ना मेरी पोस्टिंग थी। उससे पहले मैंने खालसा कॉलेज अमृतसर में पढ़ा करता था, और खालसा कॉलेज अमृतसर बहुत बड़ा कॉलेज है। वहां मेरी सिस्टर भी एक साथ वाले कॉलेज में पढ़ती थी। ओके और वो सिस्टर के साथ ना एक और लड़की पढ़ा करती थी उसके साथ, उसकी सहेली थी एक। तो एक दिन मैं उनको मिला, तो उनके साथ मैंने उस लड़की को देखा। मैंने कहा यार ये तो लड़की बड़ी ब्यूटीफुल है। तो मैं अपनी सिस्टर से पूछा, मैं कहा ये लड़की कौन है आपके साथ? ये कहती ये ऐसे का ये नाम है। तो मैंने कहा ये सरदारों की लड़की है, जट है? कहती हाँ जट है, सरदार है, अपने मतलब जात नाल संबंधित है, तो बीए कर रही है। तो मैंने कहा यार ये तो बहुत बढ़िया बात है। तो मैंने क्या किया, मैंने उनको एक दिन प्लान शो कर दी। उस लड़की को प्लान शो की, प्लान शो दूसरी वाली। ओके तो हुआ क्या, नो। तो बहुत जबरदस्त मुझे नो मिली। तो नो से घबराना तो नहीं चाहिए ना। तो मैं नो से घबराया नहीं, हमने भी वो क्या कहते हैं कंसिस्टेंट परसिस्टेंट एंड सस्टेंड एफर्ट, वो सस्टेंड एफर्ट जारी रखी, और एक दिन हमने उनको स्पॉन्सर कर दिया। और वही लड़की आज मेरे दो बच्चों की मां है। ओके मैंने ना कई बार बहुत कुछ अपनी शुरू से ही, पहले प्री मेडिकल किया, तो प्री मेडिकल के बाद मेरे दोस्त तो मेडिकल में दाखला ले गए, कोई एमबीबीएस कर ले, कोई प्री इंजीनियरिंग में, तो इंजीनियरिंग में चला गया, तो मैं रह गया। मेरे को बहुत अफसोस होता था कि यार ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, मैं मार्जिन पे आके क्यों रह जाता हूं। दुख तो होता है ना कि एमबीबीएस में मेरा दाखला नहीं हुआ, यार थोड़ी मार्जिन से रह गया मैं, कोई बात नहीं, हम कंपटीशन लड़ेंगे। हमने कंपटीशन भी लड़े, पर वहां भी वही हुआ कि कहीं ना कहीं जाके फिर अटक गए। तो मन में जो आता था भी ऐसा क्यों हो रहा है। तो अभी एमवे में आने के बाद एक टेप सुन रहा था, तो उस टेप में उसने कहा कि गुड थिंग्स कम टू दोज हु वेट। ओके हम कई बार इम्पेशेंट हो जाते हैं, भगवान हमें विश्वास नहीं आता, भगवान ने हमारे लिए बहुत अच्छा सोच के रखा होता है, मगर हम थोड़े जल्दबाजी में होते हैं कि पता नहीं हमें भगवान क्यों नहीं सक्सेस दे रहा। और एक एमवे ज्वाइन करने से पहले मैं एक बार सोच रहा था कि यार मेरे सारे दोस्त कोई डॉक्टर कोई इंजीनियर को अमेरिका चल गया, कोई आर्मी में चल गया, और मैं तो वहां का वहीं रह गया। और एक ऐसी पलटी मारी भगवान ने कि उन सब से आगे मुझे निकाल दिया। यस ओके इस बिजनेस से, एमवे बिजनेस से। तो ऐसे जिंदगी में बहुत पापड़ वेले, बहुत एडवेंचर किए, बट ऑलवेज लैंडेड इन मिस एडवेंचर। चंडीगढ़ शिफ्ट किया, चंडीगढ़ आके भी पता नहीं, जब मैं ट्रक पे सामान लद रहा था ना, मेरे को सारे मेरे दोस्त कहते थे कि तेरे को आतंकवादियों ने को धमकी देने दे दी, तेरे को तू अचानक जो चंडीगढ़ जाने का फैसला क्यों कर लिया। तो मुझे खुद नहीं पता था कि भगवान मेरे को वहां से उठाकर 250 किलोमीटर दूर कहां लेकर जा रहे हैं। मुझे क्या पता था कि कितने लोगों की जिंदगी मेरे द्वारा भगवान ने चेंज कर दी थी थ्रू एमवे। आई डोंट नो भगवान ने मेरे को क्यों चुना, और मुझे क्या पता था कि एमवे आने वाला है और मेरी जिंदगी पलटने वाली है, और कितने लोगों की जिंदगियों में रंग भरा जाएगा मेरे हाथों से। इट्स ऑल गॉड्स प्लान। ओके तो होता क्या है, जब किसी के घर में लड़की जन्म लेती है, तो उससे दो चार साल पहले किसी का घर कोई लड़का ऐसा जन्म ले चुका होता है जिसके साथ उसकी शादी होनी है। घर वालों को नहीं पता कि वो लड़का कहां है, लड़की को कोई पता नहीं वो लड़का कहां है, पर 20 साल के बाद वो लड़का पता नहीं कहां से टपक पड़ता है, आता है कि नहीं आता है। सिमिलरली जब आप डिस्ट्रीब्यूटर एप्लीकेशन फॉर्म पर साइन करते हो, आपको नहीं पता कहां है, मगर आपके लिए भगवान ने 6 DD निश्चित कर दिया कहीं ना कहीं, आपको नहीं पता कहां है।
आपके लिए उन्होंने पैदा कर दिए कि ये 6 डीडी हैं, 6 डायरेक्ट लेग चल जाएंगे आपकी, आप डायमंड हो जाओगे, मगर मिलेंगे आपको कब? 2 to 5 years। आपको नहीं पता चलेगा, 2 to 5 year में पता नहीं कहां से वो टपक पड़ेंगे डीडीज, जिनको आप जानते तक नहीं, वो आपके ग्रुप में डीडीज होंगे। ओके, मगर उसके लिए भगवान आपको टेस्ट तो करेगा, थोड़ा टेस्ट करेगा, कहीं को गलत आदमी ना बन जाए करोड़पति। ओके, वो कहते हैं कि मनी इन दी हैंड्स ऑफ ए गुड मैन इज ए गुड मनी एंड मनी इन दी हैंड्स ऑफ ए बैड मैन इज ए बैड मनी। तो इसलिए क्या है कि भगवान चेक करता है, भगवान ने चेक करना है, हमें भी किया है, बहुत चैलेंज आए, बहुत प्रॉब्लम आई है, चेक किया, मगर आस्ते आस्ते एक डीडी देने शुरू कर दिया भगवान ने। 5 दे दिया मेरे को, 5 डायरेक्ट लग गए मेरी, और 6th लग जो है मेरी वो मेरी बेटी है। लेवल है 15%, 1-2 महीने में वो 21% हो जाएगा, उसके बाद उसकी शादी करेंगे और वो अपनी शादी में 50,000 रुपए का चेक लेकर जाएगी, जो एवरी मंथ उसके घर में आना है और उसके बच्चों को जाना है। यस, कितना दहेज अपने बच्चों को हम दे सकते हैं? सारी उम्र उनके साथ निभ जाएगा वो? नो, खत्म हो जाएगा। तो इस बिजनेस में क्या है कि जो इस बिजनेस में बच्चे डीडी बन के जाएंगे, उनके बच्चों के बच्चों को नौकरी नहीं करनी पड़ेगी कभी। ओके, मगर पैसे से अलावा जो दूसरे रिवार्ड्स मिलते हैं इसमें, जो एथिक्स, जो वैल्यूज, जो सिंसेरिटी, ट्रूथफुलनेस, एडिफिकेशन, पॉजिटिव माइंड जो मिलता है, कहीं पैसे से मिलता है? कहीं स्कूलों में, कॉलेजों में कभी जो किसी को पढ़ाया गया है इसके बारे में कि पॉजिटिव माइंड क्या होता है, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड की है क्या है, कभी सिखाया किसी ने? सिर्फ इस बिजनेस में आकर सीखा हमने। ओके, इस बिजनेस में जो इनटेंजिबल रिवार्ड्स है ना, उनकी तो कीमत ही नहीं दे सकता जो यहां आकर मिलते हैं। तो इससे ग्रेट बिजनेस, और इस बिजनेस का तो कोई, मैं कहता हूं, दुनिया में मुकाबला नहीं कर सकता। और मेरे को भी बहुत चैलेंज आया जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, चंडीगढ़ में कोई एडीसी नहीं था, और सबसे बड़ा मेरी अपलाइन नहीं थी यहां, तो मैंने किट्टे लेने के लिए मेरे को दिल्ली जाना पड़ता था। तो मैं क्या करता था, मुझे सुबह 3 बजे उठना, कई बार अपने स्कूटर पे मेरे पे जाना, वहां बस लेनी, दिल्ली जाना, 250 किलोमीटर चंडीगढ़ से दिल्ली है, वहां से लोकल बस लेकर ओखला जाना, ओखला से किट्टे लेनी, और किट्टे कई बार ना 3 किट्टे मैंने लेके आनी, 1 किट जहां पसानी, 2 ऐसे पकड़ के आना। ओके, आके लोकल बस अड्डे पे किट्टे रख देनी, और उधर लोकल बस आनी, आपको पता है दिल्ली में कैसे लोकल बस आती है और कैसे जाती है, लोग भाग के चढ़ जाने, और मैंने 1 कट रखी, 2 रखी, 3 पकड़ने लगा तो बस भागी। कभी बस के पीछे भागो, कभी किट के पीछे भागो, वहां से हम ऐसे किट्टे लेकर आनी, किट्टे बस में रखकर, बस में मई जून के महीने में इतनी गर्मी होती है भाईगढ़, रात 11 बजे घर पहुंचना, दाढ़ी इधर को जा रही है, पगड़ी 180 पर घूम जानी कई बार, और जब घर लेके आनी किट्टे, और हमें तो बहुत था ना उसका जोश, बहुत था इस बिजनेस का, तो हमें तो कोई थकेवा होता नहीं था ना, गर्मी लगती। कहते कि व्हेन ड्रीम्स आर बिग, फैक्ट्स डू नॉट काउंट, व्हेन ड्रीम्स आर बिग, फैक्ट्स डू नॉट काउंट। जब सपने बड़े होते हैं तो ना थकेवा होता है ना केवा होता, हमें कुछ नहीं होता, हम तो खुश रहते थे, एक्साइटेड कि किट्टे लेकर आए, कल को लोगों को स्पॉन्सर करेंगे। तो हमारे जो गवांडी थे नेबर्स, हम रात आते तो पर्दों में ऐसे कर देखा करते थे कि ये पता नहीं क्या करते हैं, ये शायद स्मगलिंग करने लगे, ये रात ही डब्बे लेकर आते हैं, पता नहीं क्या करते हैं ये। ओके, उनको बेचारों को आज तक समझ नहीं आई इस बात की। ओके, और मेरे को ये पूछते हैं, ये गाड़ी नहीं ले ली आपने, ये लैंसर? मैंने हाँ नहीं ली है, एक पहले भी थी सेंट्रो, मैं वो भी पास ही है, एक और थी, मैं वो भी है। मैंने कहा तू भी कुछ कर ले कि तू लोगों की गाड़ियां गिनता रहेगा सारी उम्र। ओके, तो ऐसे ही है किसी लोगों के नसीब में, आज उनकी कोई और एक्सक्यूज है, कल को उनकी कोई और एक्सक्यूज निकल आएगी। वो तो कहते हैं कि विनर ऑलवेज हैज ए प्लान एंड ए लूजर ऑलवेज हैज एन एक्सक्यूज। उसके पास प्लान्स की कमी कोई नहीं है, वो तो जाता जाता भी मन में ऐसे कुछ ना कुछ सोचता रहता है कि मैं जैसे करता हूं वैसे करता हूं, तो जो दूसरा है उसने तो बहानों की कोई कमी नहीं है उसके पास। ओके, तो उसने कभी जो बिजनेस करता नहीं है, तो ऐसे बिजनेस करने लगे हम, हमने 1-2 आदमी स्पॉन्सर कर दिए, 1-2 लेग थोड़ी चलने लगी, थोड़ा मजा आने लगा, थोड़ी लीडरशिप में थोड़ा नशा होने लग जाता है जब नीचे लोग काम करने लग जाए। तो फिर एक मेरे कुलीग, बहुत बढ़िया बिजनेस है, अगर आपको अच्छा लग गया ना, अगर आपके दिमाग में ये पड़ गई बात, तो जितना आपका बेटा पेट्रोल पंप से पैसे बनाता है ना, उससे ज्यादा आप बना सकते हो।
वो कहती मेरे को बताओ क्या बिजनेस है। और मैं और मेरी वाइफ हम गए उनके डाइनिंग टेबल पर, हमने प्लान जो की, उन्हें बिजनेस ज्वाइन कर लिया। उसका एक बेटा था, वो डाइनिंग टेबल उसके साथ बैठा था। वो मेरे पास कनेडियन कैटालॉग था प्रोडक्ट का, वो जिसमें वो सारा आपको पता ही है, जिसमें शॉपर सर्विस के प्रोडक्ट्स हैं। तो वो सारे प्रोडक्ट देख रहा था, तो वो बड़ा एक्साइटेड था बिजनेस के बारे में। मुझे पूछ रहा था, अंकल जी ये कब आएंगे, ये नाइकी के शू कब आएंगे इस बिजनेस में, ये कब आएगा। मैं कहा सब आएंगे बेटा, डोंट वरी। और वो लड़का एक दिन नेक्स्ट डे सैर कर रहा था, ऐसे जॉगिंग कर रहा था सुबह, तो एक बुजुर्ग सा आदमी बूढ़ा सा उसके साथ जा रहा था, तो उसको कहता एक्साइटमेंट, कहता अंकल आपको एमवे का पता है, एमवे का नाम सुना है। वो कहता मेरे को तो नहीं पता एमवे क्या होता है। कहता है बहुत बढ़िया बिजनेस है, बहुत पैसे बनते हैं। वो कहता मेरे को बताओ क्या है। कहता कल हमारी मीटिंग है, वहां आना। वो आए, उन्होंने प्लान देखी एंड ही गॉट द किट। तो इतनी क्विकली उसने उसकी ग्रोथ हुई कि वो पहले 3 महीनों में वो 15% लेवल पर पहुंच गया। जाने के बाद फर्स्ट मंथ 9%, सेकंड मंथ 12%, थर्ड मंथ 15%। और उसकी एक और बढ़िया बात यह थी कि वो पहले पता किट को किट नहीं कहा करता था, पुराना बिजनेसमैन था ना, किट को माल कहा करता था। उसने मेरे को फोन आना, मांगड़ साहब माल आ गया जी। मैं कौन से माल की बात माल कब आएगा। तो वो फिर हमें पता चला तो किट को माल कहता है, वो पुराना बिजनेसमैन है, ओल्ड बिजनेसमैन। तो फिर उसने बहुत तेजी से बिजनेस ग्रो किया, और ऐसे करते 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 वो भी लग मेरी ब्रेक होगी। देखो मैं आपको क्या कहना चाहता हूं कि सक्सेस इज जस्ट ए फोन कॉल अवे। एक टेलीफोन की कॉल का पता नहीं आपकी कहां लग जानी है और कहां आपको एक डीडी लेग मिल जानी है। ओके, इसलिए कभी भी आप फोन कॉल करने से घबराइए मत। अगर आप अपनी डायरी सामने रखोगे ना फोन लिस्ट वाली, और टेलीफोन के पास बैठोगे, तो आपके दिमाग की जो हार्ड डिस्क है ना, सॉफ्ट डिस्क घूमने लग जाती है। वहां टेलीफोन के पास बैठ जाओ, अपनी लिस्ट ओपन करो, लिस्ट को पढ़ना शुरू करो कि इसको देखते हैं, इसको करते हैं फोन, इसको करते हैं, आपका दिमाग वर्क करने लग जाता है। जब लिस्ट ही ना होती है, ऐसे करते हैं यार क्या करें, बिजनेस चलता नहीं है, किसको फोन करें, ऐसे करते करते हवा करके तो वहां सोफे पर टेढ़े हो जाते हैं। ओके, लेजी से हो जाते हैं। तो आपकी लिस्ट सामने रखो, तो ऐसे लोगों को फोन करते रहो। तो ऐसे आपका बिजनेस, मैं कह रहा हूं आप भगवान ने सोच रखा है आपके लिए सारा कुछ, क्या करना है, आप सिर्फ अपना काम करते चले जाओ, अपना काम करते चले जाओ, अपनी लिस्ट बनाओ, फोन इनवाइट करो लोगों को। तो ऐसे हम करते गए। हमारी एक तीसरी लेग है, वो मेरे गुआंडी थे हमारे, तो मैडम ने बताया कि वो जब हमारा 352 रुपए का चेक आया था, तो वो हमारे घर में बैठे थे, हमें बहुत मखौल किया उन्होंने, मजाक उड़ाया हमारा कि आपका 350 रुपए का चेक है सिर्फ। तो हम वो देखते रहे हमें कुछ करते, कि दिल्ली जा रहे हैं, किट्टे लेके आ रहे हैं। आस्ते आस्ते उनको पता लगा कि इनके घर में तो रौनक लगने लगी, ये तो काफी लोग आने लगे और बिजनेस भी चलने लग गया, तो उन्होंने भी किट ले ली। उनके नीचे एक हरियाणा सिविल सेक्रेटरिएट में एक एम्प्लॉई था, और उनको उन्होंने प्लान में ले आया गया, वो आपको बिजनेस प्लान दिखाते हैं। तो उन्होंने वो बिजनेस प्लान देखी, और 6 बजे उन्होंने सत्संग पर जाना था, क्योंकि सत्संग का टाइम हो गया था और वो भागे जा रहे थे, तो उनको उन्होंने पकड़ के रखा था कि आप थोड़ी देर और रुको, थोड़ी देर और रुको। तो गोपीराम जी ने सिर्फ इसलिए जैस कह दी कि मुझे छोड़ देंगे कम से कम। वो कहता कि कोई बात नहीं, आप मेरी किट ले लो, मैं कल को बिजनेस ज्वाइन कर लूंगा, और अपने सत्संग पे चले गए। गोपीराम जी ने 2 लोगों को साइन किया, दोनों के दोनों डीडी हैं, एक सैफायर है, एक डीडी है मेरे ग्रुप में। ऐसे को पता ही नहीं चल रहा है बिजनेस कैसे चलना है, और सिर्फ अपना काम हम करते चले जाओ, काम अपना करते चले जाना है और बिजनेस चलते जाना है। और फिर मैंने जब ये बिजनेस शुरू चलने लग गया थोड़ा थोड़ा, तो क्या हुआ कि मैं एक मेरा कोई वैसे जानकार था, मैं उसके घर में गया, वो अमेरिका से वही वापस आया था, तो वो मुझे ऐसे बातों में मेरे से बात निकल गई। मैंने कहा मैंने एमवे बिजनेस ज्वाइन किया है, तो कहता यार एमवे बिजनेस इज ए ग्रेट बिजनेस। वो कहता मैं तो आई एम आल्सो एमवे डिस्ट्रीब्यूटर। वो आदमी मुझे पॉजिटिव करने लगा, तो उसने मुझे एक कैसेट दी कि ये एक कैसेट है, अपने घर जाके सुनो, और अगर आप इस बिजनेस को एक ध्यान से करो तो आफ्टर 1 ईयर आपको अपनी जॉब करने की जरूरत नहीं रहेगी। इतना मेरे को उन्होंने चार्ज किया। ओके, तो मुझे वो कैसेट को मैंने जब सुना बार बार, तो मुझे पता चला कि इसमें कोई सिस्टम है। पहले तो पता ही नहीं था इसमें कोई सिस्टम है। उसमें मैंने सुना कि अपने ड्रीम्स लिखने चाहिए, तो मेरे जेब में एक पॉकेट में डायरी हुआ करती थी, तो मैंने वो डायरी के हर पेज पर लिख दिया ऊपर टॉप रेड इंक से कि आई विल बाय माई फर्स्ट मारुति व्हाइट कलर्ड कार इन दिसंबर 98। नेक्स्ट पेज पर फिर लिख दिया, अगले पेज पर फिर लिख दिया, ऐसे लिखता गया, पूरे का पूरा मैंने लिख दिया। क्योंकि उस कैसेट में उसने बोला था
कि ड्रीम्स विच आर नॉट रिटन, दे आर नॉट ड्रीम्स, दे आर जस्ट विशेस। तो अपने ड्रीम को जरूर लिखो। तो मैंने वो ड्रीम लिख दिया है और मेरे को एग्जैक्टली दिसंबर 98 में आई गॉट माई फर्स्ट मारुति कार फ्रॉम दिस बिजनेस। ओके, कभी सोचा ही नहीं था कि मैंने कि इतनी जल्दी मेरे को मिलने वाली है। मेरे को अगर कोई 20th दिसंबर को पूछता ना कि तेरी गाड़ी कब आ रही है, तो मेरे को कोई पता नहीं था मेरी गाड़ी आ रही है। पर 25th को आई गॉट माई मारुति, मुझे नहीं पता कैसे मिली, जस्ट द पावर ऑफ राइटिंग योर ड्रीम्स। मैंने लिखा था ना, इसलिए मुझे मिल गई। तो फिर हम दिल्ली जाया करना उस गाड़ी में किट्टे लेने, क्योंकि फिर ग्रुप बड़ा हो गया। तो कई बार हम वहां क्या करते, हम 30-30 किट्टे एक गाड़ी में लेकर आया करते थे। 30 किट्टे मारुति में आ सकती हैं, खोल कर लेकर आते थे उसको। वहां जाना, वो डब्बे निकालने और डब्बों को अलग करना, बॉटल्स को अलग करना, और इतनी 30 किट रखी हैं। और कई लोग आपको वहां मिलते हैं ना ATC में, एक सिंगल किट लेके चले आ रहे हैं चार जने वापस करने के लिए। ऐसे भी आप आगे लोग हैं। तो वहां कई लोग आते थे, तो वो हमारी इतनी देखने की, ये सरदार जी क्या करेंगे इतनी किटें लेकर यार, हमने तो एक ली थी तो हमारी एक भी नहीं को बिक रही, वो तो ले ही कोई नहीं रहा, तो ये तो बेचारे फंस जाएंगे, ये तो इनको पता नहीं कौन समझाए इनको। ओके, तो वो हम पे बड़ा तरस खाया करते थे कि ये इतने आप कहां लेकर जाओगे, कौन लेगा आपसे। उनको क्या पता था कि इनका बिजनेस कैसे चला। हम तो तीसरे दिन लेकर आते थे, तो कई बार को आदमी आना, उन्होंने कहना, उन्होंने सोचा शायद कोरियर वाले हैं, तो हमें देखकर, उन्हें इतनी किटे देखकर कहना, अच्छा कोरियर कोरियर, क्या नो डायमंड डायमंड। तो वो हमने बॉटल जो है ना, कई बार कार की छत तक टच कर जाती थी, ऐसे बोतलें रख देनी ऊपर नीचे सारा, पीछे जो डब्बे थे वो पैक कर करके पीछे डिक्की में रख देने, और वहां बोतलें हिले हिले के कई बार क्लच के नीचे आगे अटक जाती थी। और ऐसे बहुत चैलेंज आए, मतलब बिजनेस करते गए। मगर पता नहीं, 9th month आई वॉज फर्स्ट सिल्वर फ्रॉम चंडीगढ़, 9th month। और तब पता नहीं था बिजनेस का, तब तो ऐसे धक्केशाही से बिजनेस करते चले गए। इंस्टाग्राम में जब मैंने लोगों की फोटो देखता था, तो मैं मन में ना कुछ ऐसे आता था भी यार, कभी हमारी भी फोटो आएगी। हमारा अभी 9% लेवल था, और मैं अपनी वाइफ को एक दिन कहा, मैं चले हम भी अपनी फोटो खिंचा के लेकर आए। वो कहती, फोटो क्या करनी है? मैं इंस्टाग्राम में नहीं देनी। वो कहती, अभी तो हमारा 9% लेवल है। मैं कहा, कोई बात नहीं, हमने अपनी फोटो ना, जो लोगों की फोटो थी, फोटो के ऊपर रख रख देखा करनी, कि जब हमारी फोटो आएगी तो कैसी लगेगी। और एक दिन वो फोटो छप गई, एक दिन वो फोटो छप गई। अब क्या हो गया कि जितनी फोटो इंस्टाग्राम के अंदर छपनी थी अब तक, सारी छप गई, अब बाहर छपेगी हमारी, अब अंदर नहीं छपेगी दोबारा, क्योंकि डायमंड की फोटो बाहर छपती है ना। तो ऐसे बहुत मजा आ रहा है, आपको भी बहुत मजा आता होगा इस बिजनेस में, बहुत मजा आ रहा है ना। तो ये MBA वाले जो होते हैं, मैं इसलिए अपना अलार्म लगा के रखा है कि टाइम की कोई शॉर्टेज है, तो मैंने कहा अभी कहीं, अब मोबाइल बार बार बज रहा है ना, तो मैं सोचता हूँ कि मुझे बोलने की ज्यादा आदत है। सारे MBA वाले को होती ज्यादा बोलने की आदत, क्योंकि हमसे रहा ही नहीं जाता। कहते हैं ना, जिसको प्यार करे, जो दिल में जो बात होती है, जिस चीज को दिल से चाहते हैं, मन करता है कि उसकी बातें करते रहे हरदम। तो MBA से इश्क हो गया ना हमें सबको, तो हमें हर वक्त ये मन में रहता है कि MBA की बातें करें। जब हम किसी रिश्तेदार के घर में जाते हैं, मैं और मेरी वाइफ, और रास्ते में जो आपस में फैसला करते हैं कि वो नेगेटिव लोग हैं, हमने उधर जाके ना MBA की बात नहीं करनी, तो वहां जाके थोड़ा रोकते हैं अपने आप को, मगर वो फिर MBA की बात आ जाती है, और थोड़ी देर रोकते हैं, आधे घंटे घंटे के बाद फिर MBA स्टार्ट हो जाता है, तो फिर सारा दिन MBA चलता रहता है उधर। ओके, तो MBA क्यों नहीं रोक पाते हम MBA को? एक आपको जोक सुनाता हूं। एक ना, यहां भी ऐसे होगा, जब मैरिज होती है तो घोड़ी पर चढ़ाते हैं ना दूल्हे को, तो दूल्हे को घोड़ी पर चढ़ाया हुआ था, ऊपर इतने सेरे भी ऊपर लगे हुए थे, और जहां उसके लिप्स पे एक टेप लगी थी, वो डॉक्टर वाली टेप जैसे लगाते हैं, तो बोले मत। ओके, तो वो जा रहा था ऐसे, उसके आगे बैंड बाजा बज रहा है, शादी से बारात आ रही है, तो एक उसका दोस्त कहता है, यार इसके बेचारे की आज शादी है, वो घोड़ी पर बैठा है, ऊपर सेरे लगे हुए हैं, और यहां ये टेप लगा रखी है। वो कहता, चुप कर, तेरे को नहीं पता, कहता है MBA का डिस्ट्रीब्यूटर है, कहता है। कहता है इसका कोई पता नहीं, ये कहीं बैंड बाजे वालों को प्लान शो करने लग जाए। तो हमें तो मोहब्बत हो जाती है ना इस बिजनेस से, जब